क्लास टेंथ साइंस एनसीईआरटी एक्टिविटी. दिस इज आवर एक्टिविटी. दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट्स द स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द ब्लूइश कलर ऑफ स्काई एंड द रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज और द सनसेट. रिक्वायरमेंट: कार्डबोर्ड, कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस, स्क्रीन, सोडियम थायोफोस्फेट, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर एंड अ टॉर्च. प्लेस अ स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट एट द फोकस ऑफ कन्वर्जिंग लेंस. हमें एक स्ट्रॉन्ग व्हाइट लाइट के सोर्स को कन्वर्जिंग लेंस के फोकस पे रखना है. अलाउ द लाइट बीम टू पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक टी कंटेनिंग क्लियर वाटर. जो हमारा क्लियर वाटर कंटेनिंग ग्लास टैंक है उससे हम लाइट बीम को पास करना है. अलाउ द बीम ऑफ व्हाइट लाइट टू पास थ्रू अ सर्कुलर होल सी मेड इन अ कार्डबोर्ड. उसके बाद जो हमने कार्डबोर्ड पे एक सर्कुलर होल बनाया था सी, उससे इस बीम ऑफ लाइट को पास करना है. तो हमें मिलेगा एक शार्प इमेज ऑफ सर्कुलर होल ऑन अ स्क्रीन. डिजॉल्व अबाउट 200 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इन 2 लीटर ऑफ क्लीन वाटर टेकन इन द टैंक. देन एड अबाउट 1 to 2 ml ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर. What do you observe now? We will find the microscopic sulfur particles precipitating in about 2 to 3 minutes. 2 to 3 minutes के अंदर इस solution में हमें microscopic sulfur के particles precipitate out होते हुए दिखेंगे. As the sulfur particle begins to form, जैसे ही sulfur के particles form होना चालू होंगे, we can observe the blue light from 3 sides of the glass tank. जो हमारा glass tank है उसके तीनों sides से हमें blue color देखने को मिलेगा. This is due to the scattering of short wavelength by minute colloidal sulfur particles. Observe the color transmitted light from the 4th side. अब हम चौथे साइड से जो लाइट ट्रांसमिट हुआ है उसके कलर को ऑब्जर्व करेंगे. ऑफ द ग्लास टैंक फेसिंग द सर्कुलर होल. जो इट इज इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व एट फर्स्ट द ऑरेंज, पहले हम ऑरेंज रेड कलर ऑब्जर्व करेंगे एंड देन ब्राइट क्रिम्सन रेड कलर एंड ब्राइट रेड कलर स्क्रीन पे देखने को मिलेगा. So this is all about this activity. If you have any queries, you can ask in comment box. Thank you.